दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा फोर डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट यानी अनरूट कैसे निकालते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया है आपका 1156 का स्क्वायर रूट। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी। दोस्तों, हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और यह नाम यूट्यूब पर सर्च करें। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस करना है। एक बार आपने समझ लिया तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आपको समझना पड़ेगा। इसमें तीन स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप, बाहर से अंदर की ओर आगे बढ़ते हुए दो डिजिट को एक साथ लेना है और ग्रुप बना देना है। अंदर जो बच गया इसको यहाँ लेंगे। अब इसके आधार पर हम संख्या का डिसाइड करेंगे, जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू या लेस देन दिस आना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे 11 से छोटा या 11 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 3 × 3 9 आ रहा है, जो कि 11 से छोटा है। 4 × 4 भी जांच करता हूँ, देखिए 16 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 11 है। यानी इसको नहीं लेना है, किसको लेना है, 3 × 3 को लेना है। इसको देखिए, सेकंड स्टेप इस प्रकार से हम अरेंज करेंगे। इसका जो मल्टीप्लाई है इसको यहाँ लिख देंगे। जिस भी नंबर को लेंगे एक बार यहाँ लिखते चलेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपका रहेगा, देखिए दोस्तों, इसको माइनस कर दूंगा, कितना गया 2। ये जो ग्रुप है इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, इनको ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे यह संख्या बन गई, यह जो 6 है इसके पीछे ऐसे कौन सा नंबर लूँ उसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये आपका आना चाहिए। तो देखिए, आप सोचिए थोड़ा। तो यहाँ पे इसके पीछे मैं दोस्तों 4 लेता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, या इससे छोटा भी आता है तो भी चलता है, यानी वही सेम तरीका रहता है। या तो इस जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था, या तो इसके इक्वल टू आना चाहिए, इससे लेस देन आना चाहिए, यानी इससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे सेम टू सेम, या तो ये आना चाहिए, पीछे मल्टीप्लाई लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो, या इससे लेस देन आना चाहिए। और ध्यान रखना क्या है, इसे जस्ट छोटा होना चाहिए, इसे जस्ट लेस देन होना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें। इसका जांच कैसे करते हैं, ऐसे 4 के बाद जैसे आप 5 लेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो वो ये प्रूव करता है कि 4 ही वो नंबर है जो कि यहाँ पे लेना है। जिस संख्या को लेना है उसको एक बार यहाँ पे लिख देना है। अब इनका जो मल्टीप्लाई है उसको यहाँ लिख दिया, माइनस किया, देखिए 0 0 आ गया। आगे कोई भी ग्रुप नहीं बचा है जिसको आप यहाँ लाएं और आगे अपना कैलकुलेशन करें। इसका मतलब कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी आपके इसके अनरूट का वैल्यू कितना निकला है, 34 निकला है। ओके, यह रहता है दोस्तों आपका 4 डिजिट नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा निकालने का तरीका। वीडियो कैसा लगा ये तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, तभी पता लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।